और आज मैं लेके आई हूँ क्लास सेवन का एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर टू, क्योंकि क्वेश्चन नंबर वन हमने कल कर लिया था। तो करते हैं स्टार्ट इसको। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क हूज पेरीमीटर इज 320 मीटर। अब यहाँ पे मैंने कीवर्ड्स हाईलाइट कर दिए हैं, आपको मेन काम ये देखना है कि हमें गिवन क्या है, हमें पेरीमीटर गिवन है। तो पहले लिख लेंगे इसको, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 320 मीटर। और क्योंकि हमें पता है स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास में 4 मल्टीप्लाई साइड होता है, तो हम क्या करेंगे इसको कंपेयर करेंगे, 4 मल्टीप्लाई साइड इज इक्वल टू 320 एंड यहां से मेरे पास में साइड निकल के आ जाएगी 320 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू 80 मीटर्स। एंड क्योंकि हमें यहां पर एरिया फाइंड आउट करना है तो एरिया विल बी इक्वल टू साइड स्क्वायर, तो यहां से आपके पास में आंसर बन जाएगा 80 का स्क्वायर दैट इज 80 मल्टीप्लाई 80 गिव्स 6400 स्क्वायर मीटर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, बहुत ही आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर थर्ड, एंड उसमें क्या दिया हुआ है हमारे पास में, फाइंड द ब्रेथ, आपको ब्रेथ निकालनी है, रेक्टेंगुलर प्लॉट गिवन है आपको, साथ में इसका एरिया आपके पास में 440 गिवन है और आपको लेंथ गिवन है इसकी, एंड लास्ट में वो पूछ रहा है पेरीमीटर निकालना है। तो पहले बेटा हम फोकस करेंगे ब्रेथ निकालने पर। तो चलिए रेक्टेंगल है तो हमारे पास में क्योंकि एरिया गिवन है ना ये वाला, तो हम सबसे पहले स्टार्ट इससे करेंगे, एरिया इज इक्वल टू 440 मीटर स्क्वायर। और क्योंकि यहाँ पे रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो हमारे पास में रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, और यहां से बेटा हमारे पास में कंपैरिजन हो जाएगा। और यहां से देखिए आप, लेंथ भी हमें 22 गिवन है तो ये आ गया 22 मल्टीप्लाई ब्रेथ इज इक्वल टू 440 एंड जो टर्म इस साइड में मल्टीप्लाई होती है वो दूसरी साइड में जाकर डिवाइड हो जाती है, तो ब्रेथ इज इक्वल टू 440 डिवाइड बाय 22 एंड यहां से बेटा आपके पास में कटिंग हो जाएगी, ये आंसर बन जाएगा 20। तो 20 मीटर आपके पास में यहां पर क्या निकल के आ गई है, ब्रेथ निकल के आ गई है। लेकिन इसके बाद में उन्होंने बोला है पेरीमीटर भी फाइंड आउट करना, तो आपको तो पेरीमीटर का फॉर्मूला आता ही होगा, तो हम करते हैं यहां से स्टार्ट, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, और ये देखिए आपके पास में 2, लेंथ की जगह मेरे पास क्या वैल्यू गिवन है, 22 गिवन है तो मैं यहाँ 22 लगा लूंगी और यहाँ मेरे पास में ब्रेथ की वैल्यू 20 आई हुई है तो यहाँ 20 आ जाएगा एंड इसको पूरा सॉल्व करने पर 2 मल्टीप्लाई 42 आपके पास में आंसर बन जाएगा 84 मीटर। और यहाँ मीटर स्क्वायर मत लगा देना, आपको बताया था मैंने मीटर स्क्वायर लगता है एरिया में और मीटर लगता है पेरीमीटर में। तो ये आपके पास में क्वेश्चन हो गया, पहले ब्रेथ निकल गई और देन पेरीमीटर निकल गया। अभी हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 4 और चलिए देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। आपको गिवन है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर, मतलब आपको पेरीमीटर रेक्टेंगल का गिवन है 100, इसका मतलब क्वेश्चन यहां से शुरू होगा, और लेंथ आपको बेटा दी हुई है 35 और इसकी ब्रेथ निकालनी है और इसका एरिया फाइंड आउट करना है, मतलब आपके पास में पेरीमीटर है, हम पहले फॉर्मूला लगाएंगे उसमें जो भी वैल्यू गिवन होगी वो फिल करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट पेरीमीटर के साथ। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और यहाँ पे आपको लेंथ गिवन है 35, पहले तो बेटा रेक्टेंगल है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, ये आपको मालूम होगा एंड उसके बाद में बेटा आपको लेंथ गिवन है 35, तो लेंथ यहाँ 35 आ जाएगी प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 100,
अब बेटा आपको ये भी पता है जो टर्म इस साइड में मल्टीप्लाई होती है वो दूसरी साइड में जाकर डिवाइड हो जाती है, और जो टर्म इधर प्लस में होती है दूसरी साइड में जाकर माइनस हो जाती है। तो चलिए इसको करते हैं ऐसे, ये मल्टीप्लाई वाली टर्म उधर जाकर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, और ये टर्म एज इट इज यहाँ पे रहेगी। तो 100 अपॉन 2 और यहाँ पे कटिंग करके आ जाएगा 50, दैट इज 35 + b = 50। और ये टर्म इधर प्लस में है तो हम इसको साइड में माइनस करेंगे, तो लीजिए b इधर ही रह जाएगा और 50 - 35 हो जाएगा। दोबारा देखिए ये टर्म दोनों प्लस में है और प्लस वाले टर्म जब इक्वल के इस साइड जाएगी तो वो माइनस हो जाएगी, तो b इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। इसका मतलब आपको ब्रेड निकल रही है तो मैं यहां लिख लेती हूँ, ब्रेड इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, लास्ट में कहा गया है एरिया भी निकालो, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड। अब लेंथ कितनी थी 35, ब्रेड कितनी थी 15, तो 35 × 15 = 525 cm². अगेन बोलूंगी यहाँ एरिया है इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर लगा है, अगर पेरीमीटर होता तो सिंपल सेंटीमीटर आता। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5, देखो हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हैं और बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, लेकिन इसमें थोड़ा समझने की ज्यादा जरूरत है आपको। देखो एरिया आपको स्क्वायर पार्ट का सेम दिया है, ये कोड वर्ड याद रखना सेम, एज ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्ट, इसका मतलब आपको जो एरिया स्क्वायर पार्ट का दिया है वो बिल्कुल सेम होगा जो आपके पास में रेक्टेंगल का एरिया होता है, तो दोनों के एरिया बराबर है, पहली कंडीशन तो ये है। सेकेंड आपको दिया है जो साइड ऑफ स्क्वायर है वो आपको 60 गिवन है, और आपके पास में जो लेंथ है किसकी, रेक्टेंगल की, वो आपको 90 दी हुई है। तो क्या नहीं दिया हुआ, दैट मीन्स आपको ब्रेथ नहीं दी हुई और ब्रेथ ही आपको निकालनी है। तो करते हैं इसको स्टार्ट, सबसे पहले वाली लाइन जहां मैंने सेम लिखा है इट मीन्स एरिया रेक्टेंगल का और एरिया स्क्वायर का इक्वल लेके चलेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, और आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, एंड आपके पास में जो स्क्वायर का एरिया है वो भी आपको मालूम है वो क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। अब हमें जो जो गिवन है सारे हम फिल कर लेते हैं, पहले हमें साइड स्क्वायर की दी हुई थी तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ 60 × 60, और सेकेंड मुझे यहाँ पर लेंथ दी हुई है रेक्टेंगल की तो वो मेरे पास में आ गई 90 × यहाँ पर ब्रेथ रह जाएगा और मुझे यही तो निकालना है, मल्टीप्लाई उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बेटा इसमें ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज हो रहा है जिसमें आपने मल्टीप्लाई वाली टर्म उधर जाके डिवाइड करनी है, प्लस करनी है, माइनस करनी है, तो ये आपको स्पेशली पता होनी चाहिए। तो 60 × 60 ये मल्टीप्लाई उधर जाकर हो गया डिवाइड, तो आंसर देखिए आपके पास में कितना बन जाएगा, 3 × 2 = 6 and 0, 3 × 3 = 9, एंड यहाँ से अगेन 3 × 1 = 3 एंड 3 × 2 = 6। सिर्फ आपके पास में टर्म्स कौन सी बची हैं, एक तो ये 20 बचा है और एक आपके पास में 2 बचा है, तो ये कितना आंसर बन जाएगा 40 मीटर। तो ये आपकी ब्रेथ निकल के आ गई, मैं यहाँ साइड में मेंशन कर देती हूँ कि ब्रेथ इज इक्वल टू 40 मीटर, ये आपका आंसर है। बहुत इजी था ये वाला क्वेश्चन आपका, इसमें सिंपली आपको यहाँ कटिंग करनी है, एक बार दोबारा डिस्क्राइब कर ही देती हूँ मैं इसको, यहाँ 60 × 60 तो यही है, यहाँ से मल्टीप्लाई जो 90 था इधर आके डिवाइड हो गया है, और यहाँ से 0 का मैंने कटिंग कर दी है और 3 के टेबल से 3 × 3 = 9 और 3 × 2 = 6 और 0 साथ में ये, उसके बाद 3 × 1 = 3 एंड 3 × 2 = 6, सिर्फ ये दो हमारे पास में डिजिट बचेंगे और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होने की वजह से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 40 एंड ब्रेथ आपकी आ गई है 40। तो कल मैं एक और वीडियो लेके आऊंगी, कीप इन टच विद मी, थैंक यू, एंड मेरे चैनल को कर सकते हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन।